एंड दिस इज वासु एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट मिक्स। आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एकेडमिक ईयर 2022-2023 के रिलेटेड, जो यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक प्रोसीजर उसके रिलेटेड यहाँ पर आज आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। और लास्ट में यहाँ पर आपको एक और अपडेट देने वाला हूँ जो यहाँ पर NSP का डेट फिलहाल आज के डेट में मीन्स 25 अगस्त 2023 आज इसका लास्ट डेट है। क्या इसके बाद भी आपका जो बायोमेट्रिक्स का डेट वो एक्सटेंड हो जाएगा, जो भी यहाँ पर आपकी क्वेरीज थी आज की इस वीडियो में आपको सारे क्लियर करने स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट्स से यहां पर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे यहां पर आपका फ्रेश एप्लीकेशन या आपका रिन्यूअल एप्लीकेशन है, मैं सारे स्टूडेंट्स से यहां पर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना। कोई भी स्टेप यहां पर आप मिस करोगे फिर यहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता, बायोमेट्रिक का प्रोसीजर यहां पर ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने लगा अकॉर्डिंग टू आवर लेटेस्ट रिपोर्ट्स। यहां पर जो आज इसका लास्ट डेट है मीन्स 25 अगस्त इसका लास्ट डेट है, लेकिन मिनिस्ट्री की ओर से यहां पर इसके रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि यहां पर आपकी जो बायोमेट्रिक्स का डेडलाइन वो यहां पर 25 अगस्त है। फिलहाल मैं इसके रिलेटेड आपको इतना इंफॉर्मेशन दूंगा, एज पर आवर लेटेस्ट अपडेट 25 इसका लास्ट डेट है, लेकिन इसका जो डेट वो यहां पर एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अभी मेरे ख्याल से खाली 70% ऑफ स्कूल्स या कॉलेजेस आप समझ सकते हो तो उन लोगों ने यहां पर अपनी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट किए हैं। यहां पर 30% ऑफ स्टूडेंट्स है जिन लोगों ने अपना बायोमेट्रिक्स अभी कंप्लीट नहीं किया है, मोस्टली जो उनके आयन हो या उनका जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वो अनअवेयर है इसके रिलेटेड, या अभी वहां पर उनके जो टीम वो उनके पास पहुंची नहीं, जिसकी वजह से उनका जो बायोमेट्रिक्स इनकम्प्लीट रह गया है। लेकिन अब हम पहले यहां पर बात करने वाले हैं जिन लोगों ने यहां पर अपना बायोमेट्रिक्स कंप्लीट किया है। जब आप अपना बायोमेट्रिक्स कंप्लीट करते हो एट दैट टाइम वहां पर आपको एक रिसेप्ट मिलता है, रिसेप्ट का नंबर भी मिलता है और डेट भी मिलता है और टाइम भी मिलता है जिस टाइम आप अपनी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट करते हो। जैसे आपकी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट होती है वहां पर आपको खाली दो स्टेटस आते हैं, यहाँ आ रहे हैं फेलियर, यहाँ आ रहे हैं सक्सेस। फेलियर उस बंदे का आ रहा है जिनका डेमोग्राफिक अपडेट वहां पर इन लोगों ने नहीं किया है, मीनस जिसका फिंगरप्रिंट मिसमैच दिखा रहे हैं खाली उनका वहां पर फेलियर दिखा रहे हैं। जिसका यहाँ पर सक्सेस दिखा रहे हैं तो मीनस उनका जो बायोमेट्रिक्स वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जो आपका आधार नंबर जो आप लोगों ने उस टाइम दिया है और मोड ऑफ द ऑथेंटिकेशन यहाँ पर फिंगरप्रिंट या एरिस इस तरीके से आपका रहता है, और जो आपकी एप्लीकेशन आईडी रहती है और आपका नेम और आपका जो एप्लीकेट का जो टाइप आपका रिन्यूअल है तो रिन्यूअल आ जाएगा, फ्रेश आएगा तो फ्रेश आएगा, आपका स्टेट अगर ईमेल आईडी दी होगी वो भी आएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी आएगा। दोस्तों अगर आपके पास ऐसा रिसेप्ट आया है मीनिज यहां पर आपकी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट होती है, लेकिन अगर यहां पर आपको फेलियर दिखा रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला आपको अपनी फिंगरप्रिंट को अपडेट कराना है या दूसरा फिंगर उस टाइम देना है जिसकी वजह से आपकी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने यहां पर अपनी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट की है तो उनका जो एप्लीकेशन स्टेटस अभी भी दिखा रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस इज अंडर प्रोसेस फॉर द वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूशन लेवल, मीनिंग जो आपकी एप्लीकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पे अभी पेंडिंग है। दोस्तों जैसे आप अपनी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट करते हो जो आपका INO होता है मीनिज इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, आपकी एप्लीकेशन जिनका यहाँ पर बायोमेट्रिक सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो रहा है उनकी एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट को रिवर्ट कर दिया गया जाता है कि आप इन बच्चों को वेरीफाई कीजिए जिन लोगों ने यहाँ पर बायोमेट्रिक्स कंप्लीट किया है। आप अपने INO को भी बोल सकते हो मीनिंग जो आपका इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, आप उसको बोलना है कि हमारी एप्लीकेशन को 27 तक यहाँ पर कंप्लीट कराना, क्योंकि 27 इसका जो लास्ट डेट आपका रहता है आपके कॉलेज या आपके इंस्टीट्यूशन में आपकी एप्लीकेशन 27 तक वहां पर कंप्लीट होनी चाहिए। जो स्टेटस उसके बाद यहां पर चेंज हो जाएगा, एप्लीकेशन पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, जब यहां पर वो पेंडिंग रहेगी तो उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर उसको यहां पर 29 तक आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कराना है, जब वो वेरीफाई करेगा तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन दिखाएगा एप्लीकेशन पेंडिंग एट SNO मीनिंग स्टेट नोडल ऑफिसर, जो आपका स्टेट का हेड होता है उसके पास आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है। उसका जो लास्ट डेट इन लोगों ने बताया है 31 अगस्त 2023, जो आपका स्टेट नोडल ऑफिसर उसको आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करना है, और इस तरीके से जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस का जो यहाँ पर रहता है इस तरीके से शेड्यूल रहता है। अब आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी, जो यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक का प्रोसीजर वो आपको किस तरीके से फॉलो करना था और किस तरीके से आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना था। यहाँ पर आप लोगों ने बायोमेट्रिक्स कंप्लीट किया, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने क्लियर किया किस तरीके से अब आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड की जाएगी, उसका जो वेरीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ।